श्री रामचरित मानस पाठ भाग 252, संगीतकार हैं सतीश भाटिया और आप सुन रहे हैं अरण्य कांड। अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे, फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया। किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची। तब चले बाण कराल हुंकर्त जन बहु ज्ञान श्री राम चल विसिख निसित निकाम। अवलोकी खर तर तीर मुरी चले निसिचर वीर भय क्रुद्ध तीन उभाई जो भागीरन ते जाई ते ही बदब हम निज पानी फिर मरन मन महुठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुखत करही प्रहार रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी छाड़े विपुल नाराच लगे कटन विकट पिसाच। उर शीस भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन चिक्कर्त लागत बान धर परत कुधर समान भट कटत तन सतखंड पुनि उठत करि पाखंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिन मौलि धावत रुंड खग कंक काक श्रृगाल कट कट ही कठिन कराल कोपे समर श्री राम चले बिसिख निसित निकाम। जम्बुक भूत प्रेत पिसाच खर पर संचही बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही रघुबीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के उर भुज सिरा जहां तह पर ही उठिला रही धर 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 कर भय कर गिरा।
छत परे अवलोक निज दल बिकल भटत सिराधि खर भूषण फिरे। आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ भाग 252। संगीतकार थे सतीश भाटिया और आप सुन रहे हैं अरण्य कांड। श्री राम